कटिहार, बलरामपुर और बारसोई के मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, नेक तरीन माओ बहनों और बेटियों, रिक्शा और ठेला चालक भाइयों, किसान मजदूरों और विद्यार्थियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 14 मार्च बरोज शनिचर दिन के 2 बजे पीडब्ल्यूडी मैदान बारसोई में जनाब बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आपको ये बात मालूम है कि सीमांचल के मसाइल की आवाज़ अगर किसी ने बुलंद की है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बुलंद की है, जिसकी सदा आज पूरे बिहार में गूंज रही है। आप इस बात से भी बाखबर हैं कि मुल्क का ये काला कानून जिसने पूरी कौम को आज बेचैन कर रखा है, एनपीआर, एनआरसी और सीए के ताल्लुक से भी अगर किसी ने मजबूत लड़ाई की शुरुआत की है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वक्त के जालिम हुक्मरानों के सामने में इस काले बिल को फाड़ कर इस लड़ाई का आगाज किया है। आज पूरे बिहार में हम अपने हक और हुकूक की दिल्ली और पटना के साथ ने जो मुसलसल हमारे साथ नाइंसाफी की है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए आप तमाम लोगों से, किसान मजदूर भाइयों से, उलमा से, दानिश्वरों से, बुजुर्गों से, मजदूरों से, महिलाओं से गुजारिश है कि लाखों की तादाद में आकर इस जनचेतना सभा को सफल बनाएं। यकीन जानिए जमहूरियत में आपकी तादाद और आपकी आवाज़ की बड़ी अहमियत है। हमने बरसों से चुप्पी साध रखी है, यही वजह है कि सैलाब का जमाना हो या सुखाड़ का जमाना हो, दिल्ली और पटने में बैठी हुई जालिम ताकतों ने हमें हिस्सा नहीं दिया। सीमांचल की ये दुर्गत इसलिए हुई है कि हमने दूसरी पार्टियों पर तकिया किया है और अपने इंसाफ की आवाज नहीं उठाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी तवानाई के साथ यह आवाज उठा रही है। आपकी ताइद, आपकी हिमायत, आपकी दुआएं, आपका ताउन ही हमारा सरमाया है, हमारी ताकत है। आइए मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, पसमानदगी की इस तारीकी को दूर करने के लिए आइए अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। जात मजहब से ऊपर उठकर अपने सीमांचल की मजबूती के लिए, बिहार की मजबूती के लिए और दबे कुले मजलूमों की आवाज को उठाने के लिए और उसको इंसाफ दिलाने के लिए इस तहरीक को कामयाब बनाइए और लाखों लाख की तादाद में शरीक होकर इस जलसे को तारीखी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें रहेगा आपका इंतजार।